आज का ये कवि सम्मेलन अगर गीत के नाम हो जाए तो ये समझिएगा कि हम चंद्रसेन विराट जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए मैं चंद्रसेन विराट जी को याद करते हुए एक नौजवान गीतकार को आपके बीच आवाज़ देना चाहता हूँ, जिसका नाम महेंद्र सिंह पवार है। हस्तीमाल हस्ती हमारे हिंदी फिल्मों के बड़े गीतकार हैं। उन्होंने कहा कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, इन नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए भाई महेंद्र सिंह पवार। हाँ बेटा, प्रणाम करता हूँ आप सभी को। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को प्रणाम करते हुए अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूँ। दरअसल पिछले एक डेढ़ साल से हम जिस समय से गुजर रहे हैं और उसके बाद में इस तरह का प्रोग्राम होना, आयोजन होना अपने आप में एक बड़ी बात है। कहीं किसी गीत में अमन विवाह की पंक्तियाँ हैं कि जो कोरोना वाला हाल हमने पिछले दिनों देखा है डेढ़ साल में, कि उम्र उलझन हुई कोई हल भी नहीं, उम्र उलझन हुई कोई हल भी नहीं, और तुम एक अबूझी पहेली रहे, ले चलो उस दिशा जिस दिशा जिंदगी भीड़ में भी न हो ना अकेली रहे, ले चलो उस दिशा। आइए मैं अपने परिचय की पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ, सुनेगा कि ऐसी दहक किसी भी अंगार में नहीं है, ऐसी दहक किसी भी अंगार में नहीं है, याद हार यूं किसी भी तलवार में नहीं है, अपनी तरह के हैं हम फक्कड़ स्वभाव वाले, अपनी जगह किसी भी दरबार में नहीं है, अपनी बढ़िया बेटे किसी भी दरबार में नहीं है। और जिन महत्वपूर्ण लोगों को हमने खोया पिछले साल कोरोना में, कि उसके समान कोई सिक्का खरा नहीं है, उसके समान कोई सिक्का खरा नहीं है, देखा है लाख बारी पर मन भरा नहीं है, किरदार यूं निभाया कुछ इस तरह से उसने, दुनिया से जा चुका है लेकिन मरा नहीं है, दुनिया वाह 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 बढ़िया बेटे, लेकिन मरा नहीं है। बहुत वाह वाह वाह, सुनेगा सुनेगा, मैं सुना दूँ, फिर से पढ़ दो, फिर से पढ़ दे, भले पैसे ज्यादा ले लेना। उसके समान कोई, अच्छा मुंडी भी ऐसे मिला रहा है जैसे मिलने ही वाले हो। नहीं नहीं मिलते हैं। उसके समान कोई सिक्का खरा नहीं है, देखा है लाख बारी पर मन भरा नहीं है, किरदार यूं निभाया कुछ इस तरह से उसने, दुनिया से जा चुका है लेकिन मरा नहीं है, दुनिया से जा चुका है लेकिन मरा नहीं है। वो सुनेगा तिरंगे को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपने मानस में रखते हुए ये पंक्तियाँ, क्या है तिरंगा हमारे लिए, कि इस देश की अमिट सी पहचान है तिरंगा, इस देश की अमिट सी पहचान है तिरंगा, मरने पे हो कफन यह अरमान है तिरंगा, बस तीन रंग का यह कपड़ा नहीं है केवल, हर देशवासी का दिल और जान है तिरंगा, हर देशवासी का दिल और जान है तिरंगा।
सुनेगा कि जिस तिरंगे के पीछे हमारे शहीद जान दे देते हैं, हमारे देश पे कुर्बान होते हैं, क्यों होते हैं, क्या है हमारा देश, कि वीरों की भूमि है जो नभ के वितान जैसा, वीरों की भूमि है जो नभ के वितान जैसा, जहाँ राम है विराजे मुरली की तान जैसा, गंगा चरण पखारे जिसका मुकुट हिमालय, जग में नहीं है कोई हिंदुस्तान जैसा, जग में नहीं है कोई हिंदुस्तान जैसा। जिस मन से आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ कि आप लोग से हमें क्या मिलता है सभी कवियों की तरफ से, कि जो भाए मन को ऐसे बंधन कमा लिए हैं, वाह बेटे, जो भाए मन को ऐसे बंधन कमा लिए हैं, सिर पर लगाने खातिर चंदन कमा लिए हैं, संग प्रेम आपका है और चाहिए हमें क्या, धन तो कमा न पाए पर मन कमा लिए हैं, धन तो कमा न पाए पर मन कमा लिए हैं। सुनेगा इसी क्रम में फिर एक गीत से आपको जोड़ता हूँ, कि खोई हुई निशानी क्यों खोजने को आए, कि खोई हुई निशानी क्यों खोजने को आए, बिसरी हुई कहानी क्यों खोजने को आए, जिस घाट पर सभी ही प्यासे मरे वहाँ हम अपने लिए भी पानी क्यों खोजने को आए, अपने लिए पानी क्यों खोजने को आए। आइए एक छोटे से विशेष गीत की तरफ आपको लिए चलता हूँ। आपने महाभारत का एक पात्र देखा, पढ़ा, सुना होगा, सूर्यपुत्र कर्ण, में उस पर एक विशेष गीत पढ़ना चाहता हूँ, मंच का भी ध्यान मिले सुनेगा। कर्ण का कैसा जीवन रहा है, क्या उसकी निष्ठा या समर्पण रहा है, क्या अनुराग रहा है अपनी मित्रता के प्रति, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके पक्ष से कुछ कह रहा हूँ, सुनेगा, आप लोगों का मन मिले आखिरी दो मिनट आपके बीच में। कि हो गई हो भूल वश जो, कर्ण कह रहा है, हो गई हो भूल वश जो एक ऐसी भूल भर हूँ, हो गई हो भूल वश जो एक ऐसी भूल भर हूँ, सूत का हूँ पुत्र शायद इसलिए तो मूल भर हूँ, पांच फूलों में महक है पांडव, पांच फूलों में महक है, मैं तो केवल शूल भर हूँ, पांडवों का यश है सारा मैं धरा की धूल भर हूँ, पांडवों का यश है सारा मैं धरा की धूल भर हूँ। सुनेगा, कि पाप क्या मैंने किया था जिसका पश्चाताप लेकर, प्रश्न मेरी जाति का भी संग्रह जूं पाप लेकर, क्या बताऊं किस तरह से मैं जिया संताप लेकर, मैंने यह जीवन जिया है उम्र भर अभिशाप लेकर, मैंने यह जीवन जिया है उम्र भर अभिशाप लेकर। और कर्ण ने अपने कवच और कुंडल सब कुछ जानते हुए भी दान में दे दिए थे, इसलिए वो कर्ण भी दानी कर्ण कहलाया। सुनेगा, कि शाप सा जीवन बना दे
तो कहो वरदान कैसा। क्या बात है, क्या बात है? कि शाप सा जीवन बना दे तो कहो वरदान कैसा। जीत ले जिसको विवशता वो भला बलवान कैसा। बिन कवच और कुंडलों के ना मिले तो मान कैसा। मांगने से गर मिले तो फिर कहो सम्मान कैसा। मांगने से गर मिले तो फिर कहो सम्मान कैसा। और कर्ण क्या कहता है दुर्योधन के प्रति, उसकी मित्रता को कैसे निभाता है पूरी निष्ठा से, सब कुछ जानते हुए भी कि मित्रता पाई है तुमसे उम्र भर मुझको निभानी। मित्र दुर्योधन समर्पित है तुम्हें जीवन कहानी। कि प्राण जब तक देह में है खून में जब तक रवानी। दान करता है तुम्हें निज प्राण अपने कर्ण दानी। दान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।